मैं सीबू गेम पोर्टल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गेमिंग इंडस्ट्री में एक बहुत ही सैड न्यूज आया है और वो है पबजी के बैन का। तो RIP प्लेयर्स अननोन बैटल ग्राउंड जो कि था 2018 से 2020 तक, इन दो सालों में तुमने हमें बहुत अच्छे मोमेंट्स दिए और इंडिया का सबसे बड़ा गेम अब बैन हो चुका है इंडिया में। सब बोल रहे हैं मोदी जी आपने क्या किया। और अभी पबजी प्लेयर्स की हालत कुछ इस तरीके की है। भाई आप भी सोच रहे होंगे कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो माइनक्राफ्ट प्लेयर हूं। बट एज अ गेमर वी रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी गेम। और भाई पबजी तो टॉप में था। खैर ये सब तो चलता ही रहेगा, तो चलिए अब चलते हैं हमने माइनक्राफ्ट जिसका एपिक जर्नी का अगला पार्ट हम शुरू करने वाले हैं। तो भाई पिछले बार हुआ ये था कि मैंने बहुत ट्राई किया, विलेजर्स से बहुत सारी ट्रेडिंग की, तब जाके लास्ट में मुझे आखिरकार सिल्क टच मिली गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यस अब आएगा असली मजा। मैं चाहता था सिल्क टच इसलिए क्योंकि मुझे डायमंड माइन करने थे, मुझे डायमंड ओर्स की जरूरत थी। और लकीली मुझे आपके कोऑर्डिनेट्स की मदद से आखिरकार कुछ डायमंड तो मिल ही गए। अब बस मुझे करना ये है कि जो सिल्क टच है उसको अपने डायमंड के पिकेक्स में लगाकर उन जो मेरे को डायमंड ओर्स मिले हैं उनको निकालना पड़ेगा। और मैं इससे करने क्या वाला हूँ ये मैं बताता हूँ आपको। मैं इससे बनाऊंगा इन्फिनाइट डायमंड फॉर्म। अरे 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 इतनी जल्दी वाव करने की जरूरत नहीं है। मैंने आजकल YouTube में एक चीज देखी है, लोग TikTok हैक्स को टेस्ट करते हैं कि वो सही है कि नहीं। तो दिस इज नॉट अ TikTok हैक, बट इसे मैंने YouTube में देखा था किसी वीडियो में और उस चैनल का नाम है एनजो प्लेज। और इसमें आप देख सकते हैं कि माइनक्राफ्ट ट्यूटोरियल न्यू इन्फिनाइट डायमंड फॉर्म। इसके अलावा और भी डायमंड फॉर्म थे लेकिन वो क्रिएटिव मोड यूज करते थे क्योंकि उसमें कमांड ब्लॉक चाहिए रहता है दूसरे में, और उनको बनाना एक तरीके से चीटिंग ही है क्योंकि कमांड ब्लॉक केवल आपको क्रिएटिव मोड में ही मिल सकता है। तो ये एक फॉर्म था जिसको आप सर्वाइवल में भी बना सकते हैं। तो मैंने सोचा व्हाई डोंट आई गिव इट अ गो, आखिर लोग TikTok हैक यूज ही कर रहे हैं तो मैं YouTube हैक क्यों नहीं है यूज कर सकता। तो चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं कि वाकई ये काम करता है या नहीं। और मुझे आप लोगों से एक बात पूछना था कि क्या आप चाहते हैं कि मैं और हैक्स ट्राई करूं। और दिस टाइम दिस वोंट बी अ TikTok हैक, दिस विल बी अ YouTube हैक, यानी कि YouTube में बताए गए हैक्स। तो आप चाहे तो उनको मैं एपिक जर्नी के इस सीरीज में टेस्ट कर सकता हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे टेस्ट करूं, इसको सीरीज में लाऊं, तो कमेंट में बताइएगा मुझे और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो ये है मेरा विलेज जो मेरे 5-स्टार होटल के अंदर में है। 5-स्टार होटल फालतू को बोलता हूं मैं। तो देखिए काफी क्राउडेड हो चुका है, हर जगह भीड़ है। और एक गुड न्यूज है, जो बेरोजगार आदमी था उसको मैंने घर से निकाल दिया है। भाई इसके चक्कर में मैंने इतनी ट्रेडिंग की मैं क्या बताऊं। जब तक मुझे सिल्क टच नहीं किया मैंने खूब सारी ट्रेडिंग की, उसके कारण मुझे एक अचीवमेंट भी मिल गया। ये अचीवमेंट है हैगलर का जिसमें 30 एमराल्ड की आपको ट्रेडिंग करनी थी। उसके कारण मुझे एक चीज और मिल गया जो कि है ये ड्रेस। तो भाई यही तो बात है, खासियत है अचीवमेंट्स की, आपको रिवॉर्ड्स में ड्रेस मिलते हो। देखिए कितनी कूल ड्रेस है, वाओ ग्रीन कलर की ड्रेस है जिसका एक हाथ एमराल्ड का बना हुआ है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो इसको मैं फर्स्ट पर्सन में आपको लेके दिखाता हूँ कि कैसा दिख रहा हूँ मैं। तो ये देखिए टड़ा क्या ड्रेस है भाई, वो क्या ड्रेस मिली है, बेहतरीन ड्रेस है ये। और खासकर जो इसका राइट हैंड है कितना अच्छा लग रहा है, देखिए ऐसा लग रहा है कि एमराल्ड का हाथ है। तो बहुत ही बढ़िया ड्रेस मिली है भाई मुझे। तो खैर हो गया ये, अब मैं आपको दिखाता हूँ बुक जो मुझे मिली है ट्रेडिंग करने से, वो है सिल्क टच की बुक। मैंने शायद कहाँ ऊपर रखा हुआ है, देखना पड़ेगा कहाँ पर है। तो ये रहा ये ऊपर वाले चश्मे, ये देखिए सिल्क टच 1, इसी की मुझे तलाश थी। अब इसे मुझे अपने साथ ले जाना पड़ेगा, और भी बुक्स मुझे मिली हैं
उनका भी यूज़ मैं बाद में करूँगा जैसे जैसे मुझे टाइम आएगा। तो मेरे पास लगभग 3 या 4 अलग अलग टाइप के जो लाइब्रेरियन थे उनसे मैंने ट्रेडिंग की, उनसे अलग अलग बुक मुझे मिली। तो अब चलते हैं वापस अपने घर में और समय आ गया है अपने डायमंड की पिकेक्स में इस एन्चेंटमेंट को लगाने का। फिर मैं आपको ले जाऊंगा अपने माइंड में जहां मुझे बहुत सारे डायमंड के ओर्स मिले हैं और इस सिल्क टच के जो पिकेक्स रहेगा उससे हम उन ओर्स को निकालेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे अपना इन्फाइनाइट डायमंड फॉर्म। भाई अगर सोचिए अगर ये सक्सेसफुल हो गया और हमें इन्फाइनाइट डायमंड मिल गया तो फिर मज़ा ही आ जाएगा। फिर हमें डायमंड माइनिंग के लिए कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हर टूल रहेगा डायमंड का। तो ये रही मेरी डायमंड की पिकैक्स, इसको भी निकाल लेता हूँ और अब चलते हैं हमारे एनविल की तरफ। एनविल मैंने शायद ऊपर रखा हुआ है तो यहाँ चलते हैं और अब इसमें लगा लेते हैं ये एन्चेंटमेंट। देखते हैं इसके लिए कितने एक्सपी लेवल की ज़रूरत पड़ेगी। तो केवल 4, ओके। तो 4 तो मेरे पास था और लग गई इसमें। ये रहा सिल्क टच का मेरा पिकैक्स। और अब चलते हैं मेरे माइंड की तरफ जहां मैंने डायमंड खोज निकाला है। तो चलिए अब ओर्स निकालते हैं डायमंड का। उन ओर्स को निकालने के बाद मुझे कुछ और चीज़ बनानी पड़ेगी, जैसे कि मुझे स्टिकी पिस्टन्स बनाने पड़ेंगे, लगभग 3 लगेंगे। उसके अलावा नॉर्मल जो पिस्टन होंगे वो मुझे 4 लगेंगे, 2 चेस्ट, 3 हॉपर्स लगेंगे। उसके अलावा मुझे 2 रेड स्टोन के टॉर्च लगेंगे और रेड स्टोन डस्ट लगेगा और रेड स्टोन का पूरा एक ब्लॉक लगेगा। तो अगर आपको दिख रहा होगा तो दूर से ही दिख रहा है डायमंड का वो ओर जैसे मैंने खोज निकाला आपके बताए कोऑर्डिनेट में। तो अब ये देखिए यहाँ पर डायमंड ओर है और अब मैं चलाऊंगा सिल्क के टच का अपना पिकेक्स। यहाँ पर मेरे ख्याल से 4 डायमंड ओर है तो चारों को मैं अभी माइन कर लेता हूँ। ये 1 और ये तो मैंने ले लिया, ये दूसरा, ये तीसरा और उसके बाद चौथा। तो अब पूरी तरीके से ओर्स मुझे मिल चुके हैं। देखिए ओर्स ड्रॉप हो रहे, वाओ। अब मेरा जो डायमंड का फॉर्म है वो जरूर बन जाएगा। तो जो चीज़ें मुझे इसके बाद चाहिए उसको जल्दी से जाकर बना लेते हैं, उसको फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। तो भाई सारी चीज़ें मैंने बना ली हैं। इसके अलावा लगेगा 2 ऑब्जर्वर और उसके अलावा 2 स्टेयर्स, 3 स्टेयर्स इनफैक्ट लगेंगे। तो मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे बनाना है इसको, हालांकि लास्ट में पता चलेगा कि ये वर्क वाकई करेगा या नहीं। ओह ये क्या है भाई, इतने सारे एंडरमैन। तो सबसे पहले मुझे कोई जगह ढूंढनी होगी, कोई क्लीन जगह जहाँ पर मैं बनाऊँगा। तो ये काफ़ी खाली जगह दिख रही है, यहीं पर बनाया जा सकता है। क्रीपर वहाँ क्या कर रहा है, मुझे बच के रहना होगा, कहीं बनाते समय ब्लास्ट ना हो जाए। खैर वो स्वीट बेरी के बुशेस में फंसा हुआ है। तो सबसे पहले करना हमें ये है, जैसा मेरे वीडियो में देखा था, सबसे पहले आपको एक चेस्ट चाहिए, मैंने लाल चेस्ट बना ली है। उसके साथ आपको हॉपर अटैच करना है और 3 हॉपर लगेंगे। तो सबसे पहले क्राउच हो जाइए, 1 हॉपर यहाँ लगा, दूसरा यहाँ लगा जो उससे अटैच है और तीसरा यहाँ लग गया। तो 3 हॉपर ऐसे आपको अटैच करना है जो कि फाइनली अटैच रहेगा अपने लाल चेस्ट से। अब आपको पीछे वाले हिस्से में इसके आना है और आपको चाहिए रहेंगे कॉबलस्टोन्स। तो कॉबलस्टोन, ए भाई रुक जा, कॉबलस्टोन आपको इस तरीके से लगाना है, पहले 1 यहाँ, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ पर, कुछ इस तरीके से कॉबलस्टोन प्लेस करना है। यहाँ यहाँ पर आपको रेड स्टोन डस्ट लगाने पड़ेंगे और इस जगह पे यानी जो सामने वाला ब्लॉक है उस पर रेड स्टोन टॉर्च लगाना पड़ेगा। तो ये एक कंटिन्यूस चलने वाला सिस्टम बन जाएगा जो सिस्टम को लगातार अल्टरनेट टाइम में पावर देता रहेगा। अब अगला स्टेप है डायमंड ओर्स को रखने की। अब आपको डायमंड ओर्स को ऐसे रखना है कि बीच वाला में डायमंड ओर रहेगा, उसके बगल में एक और डायमंड ओर रहेगा, यानी कि 2 डायमंड ओर एडजस्टेंट आपको रखने पड़ेंगे। तो ऐसे करके डायमंड ओर भी आ गए। अब इन 2 डायमंड ओर के अगल बगल आपको स्टिकी पिस्टन चाहिए, तो ऐसे इनको लगाना पड़ेगा कि जो स्टिकी पिस्टन का मुंह हो वो डायमंड ओर की साइड रहे। एटलीस्ट वीडियो में तो ऐसे ही किया था। तो मैंने 3 स्टिकी पिस्टन बना लिए हैं, तो 2 अभी ज़रूरत पड़ेगी, 1 बाद में ज़रूरत पड़ेगा। तो आपको कुछ इस तरीके से प्लेस करना है। तो 1 तो पकड़ के रखा है आपने एक डायमंड ओर को,
और अब इस सहारा देने वाली कोबलस्टोन की जरूरत नहीं है तो उसको निकाल लेते हैं। वैसा ही आपको दूसरे साइड करना है, लेकिन दूसरे साइड एक गैप छोड़ के। ध्यान रहे कि ये वाला जो पिस्टन है वो आपके डायमंड को टच नहीं करना चाहिए। तो इसे भी कुछ इस तरीके से प्लेस कर देते हैं। ओ गलत लग गया। तो इसको भी कुछ देखिए इसके ऊपर एक प्लेस कर देंगे और उस साइड से जाके एक अपन यहाँ पर लगा देंगे स्टिकी पिस्टन। तो एक सेटअप इधर का तैयार हो गया। कुछ इस तरीके से आपको लगाना है। अब आपको लगाने हैं चार नॉर्मल पिस्टन्स। तो सबसे पहले इस कोबलस्टोन का काम हो गया तो इसको निकाल देते हैं। तो चार नॉर्मल कोबलस्टोन लगाने के लिए पिस्टन लगाने के लिए आपको कुछ इस तरीके से ब्लॉक को रखना पड़ेगा। तो यहाँ आपको कोबलस्टोन रखना पड़ेगा। तो देखिए ये एक्टिवेट हो गया और जल्दी जल्दी काम कर रहा है। बस ऐसा ही आपको इनसे अटैच करते हुए, इस जो स्टोन है इससे अटैच करते हुए ऊपर और नीचे आपको नॉर्मल स्टोन लगाने हैं, नॉर्मल पिस्टन लगाना है एक्चुअली में, जिनका मुंह जो है वो सामने की तरफ रहेगा। हे भाई थोड़ा दूर ही रहना बता रहा हूँ मैं, मेरे पास ब्लास्ट हुआ तो अच्छा नहीं होगा। तो चलिए कोई नहीं, अभी हमको पिस्टन लगाने हैं। तो पिस्टन लगाने के लिए सबसे पहले नीचे ऐसे करके आपको प्लेस करना पड़ेगा। गलत लग गया। ध्यान रहे आपने जो कोबल स्टोन लगाया है जस्ट उसके नीचे होना चाहिए ये पिस्टन, तभी ये काम करेगा, क्योंकि इसको भी उसी से पावर मिलता रहेगा। तो कुछ एक मिनट पहले ऊपर लगा लेते हैं। तो ऊपर एक पिस्टन जैसे ही आप लगाएंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा जैसे कि बाकी पिस्टन है। अब बारी है नीचे साइड लगाने की। तो नीचे साइड बैठते हैं और फिर से लगाने की कोशिश करते हैं, फिर गलत लगा तो दूसरे बार लगाते हैं तो लग गया। तो कुछ इस तरीके से लगाना है और पीछे वाला पिस्टन काम का नहीं है तो उसे हटा देते हैं। तो आपको ऐसे लगाना पड़ेगा। तो सेम दूसरे साइड भी करना पड़ेगा ऐसे ही। इस साइड भी वैसे ही पिस्टन लगाना है। तो इसके लिए सबसे पहले अपन ऐसा करते हैं, एक कोबलस्टोन लगाते हैं, थोड़ा ऊंचा उठते हैं और उसके बाद फिर हम प्लेस करेंगे एक अपना पिस्टन। तो ये हो गया पिस्टन और नीचे साइड भी ऐसे ही। तो जो अगला पिस्टन है उसको भी इसी तरीके से प्लेस करना है। तो आपका जो पिस्टन वाला सेटअप है वो पूरा हो जाएगा। तो बस ऐसे ही आपका ये पिस्टन वाला सेटअप पूरा हो गया। अब आगे काम करते हैं। आगे काम करने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो पहले एक राउंड मार के आपको दिखाता हूँ कि ये मशीन किस तरीके से अभी तक बनी हुई है। मेरे को एक क्रीपर से बार बार डर लग रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस क्रीपर को मारता हूँ पहले मैं, वरना भाई ऐसे डर डर के बनाने में काम नहीं बनेगा। तो एक काम करता हूँ, इसको मार ही देता हूँ। तो मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा ये ब्लास्ट मत हो जाए। तो एक पड़ा, बचा बचा, बच गया। दूसरे बार पड़ा, ओ देर हो गई। चलो ठीक है, ब्लास्ट ही हो गया भाई। कम से कम इसका डर तो नहीं रहेगा कि अचानक से क्रीपर पीछे आएगा और ब्लास्ट हो जाएगा। क्या है, अगर गलती से भी मैं थोड़ा और पास हो जाता तब ज़्यादा दिक्कत होती। तो अब मैं एक काम करता हूँ कि मेरे पास काफ़ी कोबलस्टोन है, तो उस कोबलस्टोन से मैं एक वॉल बना लेता हूँ जो कि थोड़ी ऊंची रहेगी, ताकि कोई और इसको पार करके मेरे बाउंड्री में आ ना पाए। तो इतनी ऊंची दीवार ठीक रहेगी। तो भाई अब डर नहीं है, अब मैं आराम से अपना मशीन बना पाऊँगा। तो ये रही मेरी मशीन, अभी पूरी नहीं हुई है, अभी थोड़ा सा और काम इसमें करना बाकी है। तो एक काम करते हैं, इसके लिए मेरे को एक सीढ़ी बनानी पड़ेगी जो इसके ऊपर आएगी। तो ये यहाँ तक मुझे पहुँचना था, बस पहुँच गया मैं। अब यहाँ बगल बगल में मुझे ऑब्ज़र्वर लगाने पड़ेंगे। ऑब्ज़र्वर का जो है मुँह रहेगा वो नीचे के साइड में रहेगा और उसका जो लाइट वाला हिस्सा है वो ऊपर रहेगा। मतलब कुछ इस तरीके से आपको ऑब्ज़र्वर को प्लेस करना है। आपको नीचे देखना है और उसके बाद प्लेस कर देना है। तो ये देखिए लाइट भी जलना चालू हो गई है ऐसे में। अब बस आपको स्टोन्स बीच में प्लेस करना है, एक ऊपर में प्लेस करना है और एक यहाँ बीच में प्लेस कर देना है। अब आपको लगाने हैं स्टेयर्स। अब वीडियो में बताए मुताबिक जैसे वीडियो में किया था उसके हिसाब से मुझे स्टेयर्स कुछ इस तरीके से लगाने हैं। मैंने तीन स्टेयर बना के रखे हैं, इनफैक्ट ज़्यादा बन गए हैं, लेकिन तीन ही की जरूरत पड़ेगी। तो पहला जो स्टेयर है कुछ इस तरीके से लगेगा, उस साइड सेम मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा। पता नहीं क्यों वीडियो में ये इसको इम्पोर्टेंट बोला गया था कि इसको करना ज़रूरी है, पर देखते हैं, हम कोई भी चीज़ मिस नहीं करना चाहेंगे जो वीडियो में थी। तो कुछ इस तरीके से ये दूसरा लग गया। अब तीसरे के लिए मुझे सामने जाना पड़ेगा। तो स्टेयर्स को कुछ इस तरीके से लगाना है। उसके बाद आपको बीच में प्लेस करना पड़ेगा एक और स्टिकी पिस्टन, और उस स्टिकी पिस्टन के आगे आपको लगाना पड़ेगा रेड स्टोन का एक बड़ा ब्लॉक। पता नहीं क्यों लेकिन लगाना पड़ेगा, अब वीडियो में है तो लगाना ही पड़ेगा। तो चलो कोई नहीं, अभी इसको भी करके देख लेते हैं। भाई अगर काम नहीं किया ना ये, तो भाई मेरी तरफ से एंजो प्लेस को एक डिसलाइक तो बनता है उस वीडियो में।
क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेस मेरे अभी तक इसमें से लग चुके हैं, काफ़ी मेहनत लग चुकी है और काफ़ी बाकी है, तो इसको काम करना ही होगा। अब आपको करना ये है कि एक सीढ़ी और लगानी है, स्टेयर जो रहेगी वो उल्टा लगेगी यहाँ पर कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर पूरा। अब यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा एक स्टिकी पिस्टन कुछ इस तरीके से, ताकि ये भी काम करता रहे। अब बस आगे आपको प्लेस करना पड़ेगा एक रेडस्टोन का ब्लॉक, उसके बाद इसको काम करना चाहिए, क्योंकि अब इसमें कोई चीज़ बाकी नहीं है जिससे अब ये वर्क कर सके। तो ये रहा मेरा जो रेडस्टोन का ब्लॉक है, तो डन। अब इसके बाद ये सेटअप पूरा हो गया है। अब वीडियो के मुताबिक मुझे चेस्ट में मिलने चाहिए डायमंड्स, और लगातार वो डायमंड बढ़ने चाहिए। तो देखते हैं भाई, अब मोमेंट ऑफ ट्रूथ आ चुका है। ये पूरी मशीन आप देख सकते हो, ओ मैं गिर गया। तो वीडियो के मुताबिक मैंने ये सेटअप पूरा कर लिया है, तो अब देखते हैं कि मेरे को डायमंड मिलते हैं कि नहीं। तो चलिए टेस्ट करते हैं अपनी बनाई हुई मशीन को, इन्फिनाइट डायमंड फॉर्म। लेकिन ये क्या, एक भी डायमंड नहीं, ये क्या मजाक है भाई, इवन हॉपर में भी कुछ नहीं है। इतना मेहनत, इतना रिसोर्सेस सब वेस्ट गए। तो भाई आप भी ऐसे वीडियोस से दूर रहिए, क्योंकि ये सब फालतू वीडियोस बनाते हैं जिनकी ट्रिक्स बिल्कुल भी काम नहीं करते। देखा ना आपने, मैंने टेस्ट किया और ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। तो ये तो हो गया फेल, यानी कि ऐसी कोई ट्रिक नहीं है जिससे आपको इन्फिनाइट मिल सके डायमंड। तो भाई मतलब इसका कि आपको माइन में जाकर माइन करना ही पड़ेगा डायमंड के लिए, खोजना ही पड़ेगा, तब आपको डायमंड्स मिलेंगे। तो भाई मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया और ऐसे ही वीडियो बन गया भाई। खैर लेकिन इससे आपको सच का पता चल गया कि ऐसी कोई मशीन नहीं है जिससे आपको इन्फिनाइट डायमंड मिल सके। तो भाई ये था वीडियो, होप ये आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।